जूम इसको देखो। जायद खान, ईशा कोपिकर, मलाइका अरोड़ा खान, अमृता अरोड़ा और परिजात कोला जब पहुंचे एक मिड वीक पार्टी में, तो ये बात तो साफ हो गई कि मुंबई में सेलेब्स के लिए वीकेंड शुरू हो जाता है हफ्ते की शुरुआत से ही, और उसी के साथ साथ शुरू हो जाता है सिलसिला मौज मस्ती, हंगामे और गॉसिप का। आमतौर पर तो गॉसिप का इल्जाम लगता है हम पर, यानी पेज थ्री पर, मगर गॉसिप तो स्टार्स भी कम नहीं करते। मुंबई की एक शाम जब सितारों ने फैसला किया पार्टी करने का, तो वहां जायद ने वादा किया हमें कोई अंदर की बात बताने का, पर न जाने क्यों फिर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। I'm with the aces of gossip now, so I should know everything. नहीं, हम कुछ नहीं बताने वाले थे, आप कुछ कहने वाली थी। अंदर की बात तो हमें बताई अमृता अरोरा ने भी। दिन ब दिन बढ़ते उनकी डेट प्रॉब्लम्स के पीछे फिल्मों की लंबी कतार नहीं बल्कि राज है कुछ और। We've also given the date problems that you don't want to do something, but right now it's a genuine date problem and I hope it gets solved because my life is stressed right now. दूसरी तरफ हॉट वीजे, एंकर, आइटम गर्ल मलाइका अरोरा और परिजात कोला के बीच इस पार्टी में किसी तरह के कंपटीशन के बजाय बन गई थी एक म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी। She's got the most adorable smile and dimples. I mean, she doesn't need to say anything. I mean, whenever I see her, when she smiles, I think it's, you know, it's good enough. Thank you. Of course, her hot body, that goes without saying. We don't need to open our mouth. You smile. इस पार्टी की खास बात ये रही कि स्टार्स के मूड थे आम दिनों से कुछ अलग। जायद थे नॉटी मूड में तो अमृता कन्फेशन मोड में, जबकि मलाइका और परिजाद रही डिप्लोमेटिक। काश स्टार्स और उनके मूड के ऐसे रंग रोज रोज देखने को मिले। रोमा श्रीवास्तव, पेज थ्री, मुंबई। जायद खान, मलाइका अरोड़ा खान, अमृता अरोड़ा, सिद्धार्थ कोराला के साथ साथ कई और सेलेब्स पहुंचे इंटरनेशनल डीजे फेरी कॉस्टन के क्लबिंग नंबर्स पे थिरकने के लिए, और इस पार्टी में सभी सेलेब्स कुछ पल के लिए अपने काम को पीछे छोड़ जमकर मजा ले रहे थे। सेलेब्स अपनी शाम को रंगीन करने के लिए ढूंढते हैं टाउन की सबसे हैपनिंग पार्टी। जगह और उसका एम्बियंस तो मायने रखता ही है, लेकिन म्यूजिक कुछ अहम नहीं होता। तो किस पार्टी में जाना है और किस में नहीं, ये फैसला कुछ हद तक इस पे भी निर्भर करता है कि कौन है इस शाम का डीजे। पार्टी मनाने के लिए डीजे बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि वो पार्टी को बनाता है, वो पार्टी को चढ़ाता है। I would only go to an event or to a party if I knew what the DJ was going to play. आप अगर पार्टी में आ गए and if DJ is not good, the music is not good, then you don't feel like hanging around. I mean, कभी-कभी ऐसा होता है कि you know DJs are so good that you know after the deadline of 1:30 you still want to hang around. मेरे लिए बहुत important है, I love music और मैं ऐसा music सारा दिन सुनता हूँ, so मेरे लिए अगर music club में बजे तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों को मिलने के बाद म्यूजिक सुनना हम लोग पसंद करते हैं, क्योंकि लोग पार्टी करने में डांस, दे वांट टू डांस। म्यूजिक में सभी स्टार्स की होती है दिलचस्पी, जिसके चलते कभी ना कभी तो सोचा होगा इन स्टार्स ने भी डीजे बनकर कंसोल पे हाथ आजमाने की बात। मैं डीजे था पहले, आई यूज़ प्ले म्यूजिक मच बिफोर एंड नाउ आई डोंट, आई लिसन टू पीपल। आई थिंक द ओनली रीजन व्हाई यू शुड बिकम अ डीजे इज बिकॉज़ यू लव द म्यूजिक सो मच दैट यू वांट टू शेयर इट विद अदर पीपल। If you want to become a DJ to be cool or to be famous, you're such a loser. As far as I'm concerned, I play the music that I love. I never thought of getting into DJ or something like that because I'm not that much inclined to music. मैंने शौकिया बहुत DJ वगैरह का काम किया हुआ है, just for friends and family. But otherwise, yeah, I wouldn't mind actually. John Abraham और Rahul Bose दो ऐसे stars हैं जो DJ के रूप में दिखे हैं पर्दे पर, मगर ये थी बस एक झलक और डीजे के कैरेक्टर पर कोई फुल फ्लेज्ड फिल्म अभी तक नहीं बनी है। लेकिन अगर कभी बनी ऐसी कोई फिल्म तो कौन होगा डीजे के रोल के लिए स्टार्स की पहली पसंद? Maybe विवेक ओबेरॉय। सैफ अली खान ने आरजे का रोल प्ले किया सलाम नमस्ते में, सो आई थिंक इट्स प्रीटी मच देयर, यू नो, सो आई थिंक सैफ वुड बी अ ग्रेट डीजे। प्रोबब्ली जायद कैन डू इट, ही इज यंग, ही इज हिप, ही इज काइंड ऑफ कूल, सो आई थिंक ही फिट्स द इमेज। गोविंदा, because he's so energetic, lively है। जायद खान इस पार्टी में आए थे एक और पार्टी से, और थे कुछ ज्यादा ही सुरूर में। लगता है वो लौट रहे हैं फिल्मों में आने से पहले अपने वाइल्ड वाइल्ड डेज की तरफ। मेघना जोशी, पेज थ्री, मुंबई। बिग बी और जिया खान की निशब्द को मिली है ढेर सारी पब्लिसिटी, और अपनी स्टोरी लाइन की वजह से ये घिरी कॉन्ट्रोवर्सीज में भी।
लेकिन अफसोस आखिरकार जब फिल्म आई है दर्शकों के सामने वो बुरी तरह से पिट गई है और सुनने में आया है कि थिएटर हॉल्स हैं खाली। यानी रिलीज से पहले जितनी हुई इस फिल्म की पब्लिसिटी, रिलीज के बाद शायद उतने ही रामू, बिग बी और जिया रहेंगे निशब्द।